टीम इंडिया बैटिंग जस्ट लाइक अ वाओ। अगर टीम इंडिया ये मैच इतनी आसानी के साथ जीती है तो सिर्फ इसमें एक ही बंदे का रोल है, वो है जसप्रीत बुमराह। जस्ट से थैंक्स टू जसप्रीत बुमराह जिन्होंने साउथ अफ्रीका को 176 पे ही रोक लिया और इंडिया को बड़ा टारगेट देने से रोक लिया। अगर इंडिया को यहाँ पे 150-170 का टारगेट मिल जाता तो हम यही कंसीडर करते कि जो इंडिया ये मैच भी हार जाती वहाँ पे, क्योंकि जो पिच की कंडीशन है वो ही कुछ इस तरह से थी कि ये इतना जो स्कोर है वो भी चेज होना मुश्किल हो जाता था। यहाँ पे हमने देखा है कि सिर्फ 80 स्कोर का टारगेट मिला हुआ था इंडिया को और उसमें भी इंडिया ने अपनी 3 विकेट्स गंवा दी और उसके बाद जो ये मैच है वो इंडिया जीती है। तो इसमें अगर हम डे वन की बात कर लें तो डे वन के अंदर क्या होता है कि साउथ अफ्रीका ने पहले टॉस जीती और बैटिंग करने का फैसला किया और जिसमें मोहम्मद सिराज ने बहुत आला रोल अदा किया और 6 विकेट्स को आउट करके जो टीम साउथ अफ्रीका है उसको 55 पे ऑल टीम आउट कर दिया। और उसके बाद बारी आती है इंडिया की और इंडिया के दफ़ा भी क्या होता है कि जो इंडिया है वो 153 पे चले जाते हैं और वहाँ पे इंडिया के 5 आउट हो जाते हैं। उसके बाद 153 से लेके ऑल टीम तक सिर्फ कोई भी एक भी बंदा एक स्कोर भी नहीं कर पाता, सिर्फ 2 ओवर्स के अंदर उनकी पूरी टीम आउट हो जाती है और 153 पे जो इंडिया की वो ऑल टीम आउट होती है और साउथ अफ्रीका को 98 का जो वो ट्रेल मिल जाता है। यहाँ पे जो टीम इंडिया है उनका 98 स्कोर एक्स्ट्रा हो गया। तो उसके बाद साउथ अफ्रीका की दोबारा से बारी आती है आज के अंदर और इसमें वहाँ पे हमने देखा है कि जसप्रीत बुमराह ने सारी उनकी बैटिंग लाइन है उसको तबाह करके रख दिया, 176 पे ऑल आउट कर दिया साउथ अफ्रीका को। उसमें जो इनके डीन एलगर हैं, जो टोनी डिजोर्सी हैं, इनके बडिंगम हैं, जो इनके मतलब जो स्कोर कर सकते थे उनको वहाँ पे टिकने ही नहीं दिया जसप्रीत बुमराह ने और उनको जल्दी आउट कर दिया और सिर्फ एक ही बंदे ने स्कोर किया, एडन मार्क्रम ने, उन्होंने 108 स्कोर किया। वहाँ पर क्रेडिट जाता है मोहम्मद सिराज को कि जिस तरीके से आके वो उन्होंने एडन मार्क्रम को आउट किया और अपनी टीम को दिलासा दिया, क्योंकि वो एक लंबी पार्टनरशिप बिल्ड कर चुके थे और वहाँ पे सेट हो चुके थे और जो बॉलर भी आ रहा था उसकी वो अच्छे से मतलब कुटाई कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे मोहम्मद सिराज ने आके वो विकेट निकाली और अपनी टीम को सहारा दिया और वहाँ पे 176 एडन मार्क्रम के बाद वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके और 176 पे साउथ अफ्रीका ऑल टीम आउट होगी और इंडिया को 78 रन का टारगेट मिल गया। और उसके बाद जो टीम इंडिया है उन्होंने बैटिंग स्टार्ट की, जो रोहित शर्मा है और उसके साथ जो जैसवाल ने आज बहुत अच्छा किया, उन्होंने आते ही अटैक, मतलब उनका वही माइंडसेट था कि आते ही अटैक करना है, हमने डिफेंड नहीं करना, क्योंकि कल हमने देखा था जब ये डिफेंड कर रहे थे तो साउथ अफ्रीका इनके ऊपर हावी होगी और इनको विद इन 2 ओवर्स इनको आउट कर दिया। तो आज ये डिफरेंट माइंडसेट के साथ आए हुए थे और उन्होंने आते ही वो अपना जो अटैक है वो किया और जो 80 स्कोर का सिर्फ 3 विकेट के लो से वो 80 जो स्कोर है वो स्कोर पूरा कर दिया और अपनी जो हिस्ट्री है वो क्रिएट कर दी जो टीम इंडिया है। यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि जो टीम इंडिया है वो एक दफ़ा भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच नहीं जीती हुई, आज हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा जो टीम इंडिया है वो साउथ अफ्रीका के होम ग्राउंड के अंदर पहली दफ़ा ये टेस्ट मैच जीती है और आज ये इन्होंने इतिहास बदल दिया है और ये अपना जो ये जो है रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के अंदर और जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग और मोहम्मद सिराज की बॉलिंग के बदौलत ये इस मतलब मुकाम पे पहुंचे हैं कि इन्होंने साउथ अफ्रीका को उनके होम ग्राउंड के अंदर इनको हरा दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त जीत रही है। और यहाँ पर हम बताते चले कि जो मैच है ये तो 2 मैच थे, 2 मैच की सीरीज थी और होनी तो ये 10 दिन की चाहिए थी लेकिन ये 5 दिन से पहले ही ये मैच खत्म हो गए। पहले मैच की अगर हम बात करें तो वो तीसरे दिन तक गया था और तीसरे दिन के अंदर ही वो मैच खत्म हो गया था। अगर दूसरे मैच की बात करें तो वो तो तीसरे दिन के अंदर गया ही नहीं, दूसरे दिन के हाफ तक ही वो जो दोनों टीम्स हैं उन्होंने 2-2 दफा बारियां ले ली और जो टीम इंडिया है उन्होंने अपना वो जो टारगेट था वो चेज कर लिया और जो टीम इंडिया है वो जीत गई। तो ये 10 दिन की सीरीज 5 दिन से पहले ही ख़त्म हो गई और ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई T20 या वनडे सीरीज चल रही हो, 50 पे आउट हो रहे हैं, 100 पे आउट हो रहे हैं, 150 पे आउट हो रहे हैं। तो ये मतलब कोई जो टेस्ट सीरीज वाला ना ही उनको टारगेट मिल रहा था और ना ही वो चेज कर रहे थे। तो खैर बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज रही इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान और जो इंडिया है उन्होंने ये सीरीज सॉरी जो ये सीरीज है ये तो वैसे ड्रॉ हो गई है, जो पहला मैच है वो
साउथ अफ्रीका जीत गई थी और दूसरा मैच इंडिया जीत गई है। और वैसे ये इतिहास बदल दिया है इंडिया ने कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि उनकी हिस्ट्री के अंदर कि वो मैच जीते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। तो इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गेम तक को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।